अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। प्राइवेट अस्पतालों को मनपा आयुक्त का सख्त आदेश, कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर होगी कार्यवाही। प्राइवेट अस्पतालों की भारी भरकम फीस से परेशान मुंबई के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने मिशन ब्रेक द चेन के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पताल मरीजों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें ही लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मनपा ने प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि वो कोरोना के पात्र सभी मरीजों को महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना का लाभ उपलब्ध करवाएं। सभी प्राइवेट अस्पताल जल्द से जल्द रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करें। इसके लिए यदि उन्हें मनपा से किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो उन्हें अवश्य दी जाएगी। इस मदद के बदले इन अस्पतालों से मनपा किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूलेगी। आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि किसी भी मरीज से अस्पताल में भर्ती होने से पहले डिपॉजिट ना भरवाई जाए, ना ही किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर अस्पताल में भर्ती करने से मना किया जाए। साथ ही जिस मरीज का ऑक्सीजन लेवल 95% से कम है उसे भर्ती करने से मना ना किया जाए। यदि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है तो उसका इलाज ट्रायल विभाग में जारी किया जाए और जब उसे दूसरे अस्पताल में बेड उपलब्ध हो जाए तो उसे ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस से भेज दिया जाए। अस्पताल मरीजों को जेनेरिक दवाइयां ही दें जिससे उन पर आर्थिक बोझ ना पड़े। मनपा का कहना है कि सभी मरीजों को मोबाइल इस्तेमाल करने दिया जाए ताकि मरीज अपने परिवार के लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।